नमस्ते शेफ महेंद्र वर्मा, मैं आज बनाने वाला हूँ चिली फिश। ये होटल का स्टाइल बना रहा हूँ, वो तीन सास मिला के थोड़ा बहुत फर्क पड़ता, बहुत अच्छा भी लगता। मैं आज बनाने वाला हूँ चिली फिश। बनाने के लिए बस आप इसको 150 ग्राम बोनलेस कर लेना। कॉर्न फ्लोर, मैदा, लहसुन अदरक पेस्ट, नमक, काली मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च पेस्ट को मछली में थोड़ा से नमक मिलाना, उसमें थोड़ा से काली मिर्ची, थोड़ा से लहसुन अदरक पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च पेस्ट को सब चार को मिला के अच्छा से उसको मिलाना। उसके बाद एक स्पून कॉर्न फ्लोर मिलाना, एक स्पून मैदा, दोनों मछली के साथ अच्छे से मिला देना। थोड़ा अच्छा क्रिस्पी के लिए चाहिए तो कॉर्न फ्लोर थोड़ा ज़्यादा डाल सकता, मैं इक्वल क्वांटिटी में डाला, इक्वल क्वांटिटी अच्छा होएगा। अच्छे से मिलाने बाद में तेल को अच्छे से गर्म करके उसमें एक एक पीस छोड़ देना। आधा फ्राई हो गया, हाफ डन हो गया, इसको उसको अच्छा से फुल डन करना। ये मछली फ्राई हो गया, तैयार हो गया, इसको निकाल दिया। वो देखने में अच्छा लगता है, इसको खाया भी अच्छा, बहुत अच्छा लगे। क्यों बोलते, लाल मिर्च पेस्ट सब मसाला मिलाया उसमें। अभी चिली पीस बनने के लिए 150 ग्राम मछली को फ्राई किया। प्याज को ऐसा डाइस कट करना, कैप्सिकम ऐसा कट करना, काली मिर्ची, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पेस्ट, लहसुन, स्प्रिंग अनियन, हरा मिर्ची दो टुकड़ा किया, अदरक, लहसुन अदरक पेस्ट और रेड चिली सास है इसका, लाइट सोया सास है, टमाटा कच्चा। इसको सबको एक ही स्पून डाल सकता, मैं एक स्पून टमाटा कच्चा, एक स्पून लाइट सोया सास, एक स्पून रेड चिली सास डाला। आप चाहिए तो ग्रीन चिली सास भी डाल सकता, रेड चिली सास थोड़ा अच्छा भी लगता, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। इसको अच्छा से मिला देना। थोड़ा स्वीटनेस के लिए थोड़ा टमाटर कच्चा थोड़ा आधा स्पून एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ। इसको तीन सास को अच्छा से मिला देना, गरम करना कढ़ाई को। उसके बाद दो स्पून ऑयल डालना, 5 ग्राम लहसुन, 3 ग्राम अदरक, 5 मिर्ची, प्याज, कैप्सिकम को अच्छा से भूनना। कलर कैप्सिकम मिला सकता है इसमें, मैं काली हरा मिर्च को मिलाया उसमें, हरा कैप्सिकम मिलाया, कश्मीरी लाल मिर्ची पेस्ट 2 ग्राम पेस्ट मिलाया उसमें। कितना आपको स्पाइसी चाहिए उतना पेस्ट डाल सकता, अच्छा लगेगा पेस्ट के लिए। उसके बाद तीन सास मिलाया ना, वो सास इसमें डाल देना। आपको चारा थोड़ा ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा और एक स्पून डाल सकता हूँ। मैं सूखा बना रहा हूँ, ड्राई चिली पीस बना रहा हूँ, उसके लिए इतना ही सास, थोड़ा थोड़ा सा पानी मिला रहा हूँ। उसका बाद थोड़ा से काली मिर्ची पाउडर, ये टेस्ट के लिए अरोमेटिक पाउडर, सबको इसको अच्छा से मिला देना। वो सास में अरोमेटिक पाउडर नमक रहेगा, उसके नमक नहीं चाहिए। उसके बाद फ्राई वाला मछली भी इसमें मिला देना सास में। आपको नमक कम मिला है तो कम मिला देना, ऑलरेडी नमक इसमें बहुत है अरोमेटिक पाउडर सब में। थोड़ा प्याज स्प्रिंग अनियन थोड़ा डाल दिया, हरा प्याज डाला थोड़ा। ये तैयार हो गया, बहुत अच्छा लगेगा खाना में फ्राइड के साथ। आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।